फुल स्क्रीन को चाहते हैं कि मल्टीपल जोन्स में या मल्टीपल पार्टीशंस में रन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर करेंगे सिलेक्ट, और यहाँ पर हम कुछ एरिया सिलेक्ट करके अपना कंटेंट को एक और फाइल यहाँ पर रन करना चाहेंगे स्पेसिफिक लूप में, तो हम यहाँ पर एक मीडिया उठाकर रख सकते हैं और उस मीडिया को उसके एरिया के हिसाब से, जोन के हिसाब से सिलेक्ट करा सकते हैं। ये करने के बाद हमारा जो कंटेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो इस जोन की प्रॉपर्टीज में आपने रन किया हुआ है कुछ लूप फोटोज का, और बाकी आप अगली फाइल्स में आप यहाँ पर रन कर सकते हैं अपनी एक एक फाइल, एक वीडियो। आप इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीपल फाइल्स में, या आप सिंगल फाइल भी लूप में कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसे सेव करते हैं या पब्लिश करते हैं, सेव करने पे आपका ये ड्राफ्ट सेव हो जाएगा उन स्क्रीन्स के लिए जिन स्क्रीन्स पे ऑलरेडी आपने ये कंटेंट रन कर दिया है, और पब्लिश करने के बाद के लिए आपको उन सब स्क्रीन्स पे जाना होगा जिन स्क्रीन्स पे आपका ये कंटेंट आप रन करना चाहते हैं या कुछ नई स्क्रीन्स को ऐड करना चाहते हैं। तो मेन आपको पब्लिश पर ध्यान देना है, पब्लिश आपको करते रहना है, और आपको जो कंटेंट है वो लाइव पब्लिश हो जाएगा जो भी स्क्रीन्स पे आप डिप्लॉय करना चाहते हैं। आप इस लेआउट को एडिटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक पर्टिकुलर लेआउट को कॉपी कर सकते हैं या डुप्लीकेट कर सकते हैं इस आइकन से, और उसको एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको एक्सटेंड करना है उसका यूजेज, तो आप अपना पुराना कंटेंट अगर डिलीट करना है, आपको कोई जोन हटाना है, तो आप इस जोन पर क्लिक करके डिलीट आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, और आपका जो कंटेंट का जोन है वो क्लीन होता जाएगा या डिलीट होता जाएगा। तो आप यहाँ पर एक लेआउट सिलेक्ट करके उसकी सेटिंग्स के अंदर प्रोसेस कर सकते हैं। और अभी हम इस लेआउट का नाम चेंज करने के लिए हमें एक बार इसमें अपना कुछ कंटेंट ड्रॉप करेंगे और इसे फुल स्क्रीन स्ट्रेच करेंगे, तो ये इसका जो कंटेंट है वो फुल स्क्रीन में आ गया है। इसके बाद आप इसके जोन, इसके जो लेआउट है उसका नेम चेंज करके यहाँ पर रख सकते हैं वर्टिकल वीडियोस, और आप उसकी ड्यूरेशन यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर 45 सेकेंड्स के लिए आपका ये जो ऑटोमेटिकली ड्यूरेशन फेच हो गया है जो स्क्रीन से फेच हुआ है, जो आपके कंटेंट की लेंथ है उससे, और ये आपका बाकी लेआउट का जो लेंथ है वो यहाँ पर फेच हुआ है। तो आप यहाँ पर अगर चाहें तो 10 सेकेंड्स के लिए भी उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और 10 10 सेकेंड्स में मल्टीपल लेआउट्स को रन कर सकते हैं एक के बाद एक, स्टिचिंग कर सकते हैं लेआउट्स की। तो अगर आप इसे पब्लिश करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आप 10 सेकेंड्स के लिए टू पार्टीशंस में रन करेंगे कंटेंट को, और बाकी नेक्स्ट 10 सेकेंड्स के लिए आप लूप में रन करेंगे फुल स्क्रीन वीडियो। तो ये आप यहाँ पर अचीव कर सकते हैं, और आपका जो कंटेंट है वो डिस्प्ले पे आता रहेगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट 90% केसेस में आपको यहाँ पर सिंगल लेआउट ही सूटेबल रहेगा, क्योंकि आप सिंगल लेआउट में ही कॉन्टेंट को रन करना चाहेंगे। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं इस स्क्रीन को या इस लेआउट को, और उस लेआउट पे एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं जो लेआउट आपके पास ऑलरेडी है। आप इसे आपका जो लैंडिंग पेज है उसके अंदर आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसमें आपकी स्क्रीन्स हैं और जो सारी स्क्रीन्स यहाँ पे आपकी काम करेंगी। तो इसी के साथ आप व्यू में जाकर एडिटिंग कर सकते हैं और अपना जो पूरा प्रोसेस है देख सकते हैं कि आपकी कौन सी प्लेलिस्ट आपने यहाँ पर असाइन की हुई है स्क्रीन को।